हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ नेशे इनकम का वैल्यू एडेड मेथड करने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ नेशे इनकम के गोल्डन रूल्स की बात की थी। आज की क्लास में हमारा जो फोकस रहेगा वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड पे फोकस रहेगा। ये जो मेथड है नेशे इनकम का, सबसे फर्स्ट मेथड होता है नेशे इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इस मेथड में हम कैसे निकालते हैं नेशे इनकम को। सपोज करो मेरे पास 100 रुपये थे, 180 हो गए, 100 रुपीज थे, 180 हो गए। तो मैंने इस साल कितना कमाया, 80। कैसे निकाला, जितना वैल्यू में एडिशन हो गया या जितनी हमने प्रोडक्शन की उन सबको ऐड कर दो। तो वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड से हम नेशे इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना वैल्यू में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है या जितनी हमने प्रोडक्शन की है उन सबका टोटल कर दो। वैल्यू एडेड मेथड में मैं दो स्टेप्स करवाता हूँ। मोस्टली बुक्स में या स्कूल के टीचर एक ही स्टेप में समझा देते हैं, मैं दो स्टेप में इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, इस मेथड को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। ये दो स्टेप आपको कैलकुलेट करने ही करने हैं हर क्वेश्चन में वैल्यू एडेड के। स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालते हैं स्टेप नंबर 1 में, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, कितनी वैल्यू का मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है। ये कैसे पता चलता है, जितना मैंने सेल किया होगा प्लस जितना चेंज इन स्टॉक, यानी जितना भी मेरे स्टॉक में क्या आया होगा चेंज, इन दोनों को ऐड कर दो तो मेरा क्या निकल क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब एक पॉइंट है, ये बोर्ड में कभी भी नहीं आया, ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन स्कूल वाले पूछ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ये संदीप गर्ग की बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर कभी भी वर्ड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया हो, कभी भी वर्ड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया हो तो उसे भी ऐड करना है। ये जो स्टेप है ये मेरी बुक में नहीं दिया हुआ, ना टीचर्स इसे यूज करते हैं, ना कभी बोर्ड में आया है। संदीप गर्ग का एक क्वेश्चन है, उसमें ये पॉइंट है, अगर कभी दिया हो प्रोडक्शन को सेल्फ कंजम्पशन तो वो इस स्टेप में ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी तो मेरा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, चाहे मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा है लेकिन प्रोड्यूस तो हुआ, इसे लेके चलते हैं। बोर्ड में कभी नहीं आया ना आएगा, पता होना चाहिए, अगर कभी क्वेश्चन में दे दे तो इस स्टेप में ऐड करना। स्कूल में आ सकता है, बोर्ड में नहीं आएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो ही चीजें ऐड करते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर ये कभी दिया हो तो ऐड कर देना, वैसे दिया नहीं होगा, फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या सीखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या सीखाते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन स्टॉक की। पेपर में पेपर सेट है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट घुमाते हैं। चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक को निकालने का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बच्चों के पास, जिनके पास अकाउंट्स है, अकाउंट में आप एक चैप्टर पढ़ोगे रेशियो चैप्टर, थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर है। रेशियो चैप्टर में चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंट्स में हमें अकाउंट्स के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करना। इकोनॉमिक्स में चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखो मेरे पास 100 रुपये थे स्टार्टिंग में, 180 रुपये हो गए, ठीक है। 100 रुपये थे, 180 रुपये हो गए, तो बताओ मेरे पास कितना चेंज आया। मैं कैसे निकालूंगा, 100 माइनस 180 करूंगा, 180 माइनस 100 करूंगा, 180 माइनस 100। तो चेंज इन स्टॉक हमेशा कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। तो इससे ये तो पता चल गया कि मेरे स्टॉक में कितना चेंज आया, ठीक है जी। प्लस जितना माल मैंने बेचा होगा, मैंने 500 का माल बेच दिया तो मैंने बनाया कितना होगा इस साल, 580 का। तो कैसे निकालते हैं, वेल कितना आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो याद रखना स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और पेपर में क्या करता है पेपर सेटर, चेंज इन स्टॉक का नया नाम देने लग गया आजकल वो पेपर सेटर, ठीक है। ये न्यू नेम आज से 3 साल पहले बोर्ड के पेपर में आया था, क्या नाम था देखो, चेंज इन स्टॉक का नाम दे दिया अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। क्या वर्ड आ गया, अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, ये वर्ड पेपर सेटर ने दे दिया, अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है, वो आउटपुट जो सोल्ड नहीं हुआ, यानी मेरा क्या बन गया स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर का मतलब इस साल का,
तो चेंज इन स्टॉक का एक और नाम क्या हो सकता है, अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक को इस नाम से भी बुला सकते हैं, अनसोल्ड आउटपुट एट द एंड। अनसोल्ड आउटपुट का मतलब जो माल नहीं बिका, एट द एंड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अनसोल्ड आउटपुट का मीनिंग याद रखना, अनसोल्ड आउटपुट का मीनिंग क्या होता है, स्टॉक। अनसोल्ड आउटपुट का मीनिंग क्या होता है, स्टॉक, और एट द एंड वर्ड आ गया तो इसका मतलब कौन सा हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। सेम वे में क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, अनसोल्ड आउटपुट। क्या बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक को, अनसोल्ड आउटपुट एट द बिगनिंग। ओपनिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं, अनसोल्ड आउटपुट एट द बिगनिंग, ठीक है जी। तो ये नाम आया नहीं है, आ सकता है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोल सकते हैं, अनसोल्ड आउटपुट एट द एंड। ओपनिंग स्टॉक को क्या नाम ले सकते हैं, अनसोल्ड आउटपुट एट द बिगनिंग। यहां तक क्लियर है? ये एक्सट्रीम केसेस बता रहा हूँ, जब पेपर से आकर मुश्किल से मुश्किल पॉइंट डाल दे, स्कूल में मुश्किल से मुश्किल, तो ये डाल सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे भी डाल देते हैं, ये पॉइंट सुनना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इंग्लिश को बस चेंजिंग स्टॉक को इंग्लिश में लिख दिया और बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या कर दिया। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चेंजिंग स्टॉक ही तो है। क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है ओपनिंग से, चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो इस चीज को उन्होंने इंग्लिश में घुमा के दे दिया। अब बच्चा का नया पॉइंट आ गया, ये नया पॉइंट थोड़ी ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने का पॉइंट है। यहां तक समझ आ गया? अब पेपर सेटर ऐसे दे देते, फॉल डिक्रीज, फॉल डिक्रीज, या वर्ड दे देगा रिडक्शन इन स्टॉक। क्या वर्ड दे देगा, फॉल डिक्रीज या रिडक्शन इन स्टॉक, कितना 20, फॉल इन स्टॉक 20, डिक्रीज इन स्टॉक 20, रिडक्शन इन स्टॉक 20। तो इसका मतलब चेंज कितने का आया होगा स्टॉक में, -20। कह रहे स्टॉक 20 से कम हो गया, 20 से कम हो गया तो चेंज कितने का आया, -20 का। यानी अगर कभी भी वर्ड दे दे फॉल डिक्रीज या रिडक्शन स्टॉक, तो साइन चेंज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। एक लॉजिक लगाओ, मैंने बोला मेरे पास 20 रुपए कम हो गए तो मेरा चेंज कितने का आया, -20 का। चेंज कितने का आया, -20। और अगर पेपर में वर्ड आ जाए राइज इनक्रीज, क्या वर्ड आ जाए पेपर में, राइज इनक्रीज या एडिशन इन स्टॉक, क्या वर्ड आ जाए, राइज इनक्रीज या एडिशन इन स्टॉक 20, तो बताओ चेंज कितने का होगा, +20 का। चेंज कितने का होगा, +20 का। पॉइंट समझ आ गया? तो अगर कभी पेपर में चेंज इन स्टॉक ना दे रखा हो, चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक को निकालने का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये पॉइंट हर बच्चा अपने दिमाग में सेट करके चलना, ठीक है जी। क्लियर है हर बच्चे को पॉइंट? अब अगला लॉजिक समझते हैं। देखो बच्चों, अगला लॉजिक हम ढंग से समझेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखना बच्चों क्या पॉइंट है। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखना, चेंज इन स्टॉक समझ आ गया। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में मुझे सेल नहीं दे रखी, अगर क्वेश्चन में मुझे क्या नहीं दे रखी, सेल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मुझे सेल वर्ड नहीं दे रखा, तो सेल कैसे निकालते हैं वो देखना। इस पे भी पेपर सेटर बहुत पंगे लेता है बच्चों से। तो देखो, मुझे ऐसे दे देगा पेपर सेटर, मैंने 1000 यूनिट सेल की 20 रुपए की एक यूनिट है, 1000 यूनिट सेल की 20 रुपए की एक यूनिट है, तो बताओ सेल की वैल्यू कितनी है। बच्चा लिख के आता है 1000, जबकि सेल की वैल्यू थोड़ी ना, बताओ 1000 यूनिट सोल्ड की है। तो सेल कैसे निकालते हैं, सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या फॉर्मूला होता है सेल निकालने का, क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्लियर है पॉइंट? अगर कभी सेल नहीं दे रखी तो कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, सेम वे में कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट ना देखे,
वैल्यू ऑफ आउटपुट ना देके हमें वर्ड दे दे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, अब सोल्ड वर्ड नहीं दिया, प्रोड्यूस दे दिया और प्राइस दे दिया, तो जितनी यूनिट प्रोड्यूस किए इनटू प्राइस कर दो तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू प्राइस पर यूनिट। क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू प्राइस पर यूनिट। यहां तक क्लियर है? अच्छा, सेल, सेल हम किस किस को कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर, हाउस होल्ड को सेल कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और फर्म को कर सकते हैं यानी प्राइवेट सेक्टर को कर सकते हैं, और इंडिया के बाहर कर सकते हैं। इंडिया के बाहर जो सेल करते हैं उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अगर सेल ना दे रखी हो, दे रखा हो गवर्नमेंट को इतनी सेल की, हाउस होल्ड को इतनी की, फर्म को इतनी की, एक्सपोर्ट इतना किया, तो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, मेरी क्या निकल के आ जाएगी, टोटल से। इन सबको ऐड कर दो, क्या निकल के आ जाएगी, टोटल से। ये पॉइंट समझ आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में सेल नहीं दे रखी, हमें दे देगा डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या होता है, जो विद इन इंडिया सेल की है। क्या वर्ड दे देगा, डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या होता है, जो इंडिया के अंदर सेल की है। और एक्सपोर्ट वर्ड दे देगा, एक्सपोर्ट का मतलब जो इंडिया के बाहर सेल की है। तो कभी भी पेपर में वर्ड आ जाए डोमेस्टिक सेल या एक्सपोर्ट, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल सेल निकल जाएगी। डोमेस्टिक सेल का मतलब जो इंडिया के अंदर की है, एक्सपोर्ट जो इंडिया के बाहर की है, दोनों को ऐड कर दोगे, क्या निकल जाएगी, टोटल सेल। अब तुम्हें पागल बनाने के लिए पेपर सेटर क्या करेगा, सेल वर्ड भी दे देगा और एक्सपोर्ट वर्ड भी दे देगा, सेल वर्ड भी दे देगा, एक्सपोर्ट वर्ड भी दे देगा। अब तुम सोचोगे कुछ ना कुछ तो होगा, जब मेरे को सेल दे दिया, मुझे तो क्या चाहिए फॉर्म में, सेल, तो मैं सीधा सेल को पिक करूंगा, एक्सपोर्ट पागल बनाने के लिए दिए, इसका कोई यूज नहीं होगा। हम मान के चलेंगे एक्सपोर्ट की वैल्यू ऑलरेडी किसमें इंक्लूड है, सेल में। लेकिन कई स्कूल के टीचर बच्चों से पंगे लेते हैं, वो क्या करते हैं, सेल की वैल्यू दे देंगे 400, एक्सपोर्ट की वैल्यू दे देंगे 500, सेल की वैल्यू दे देंगे 400, एक्सपोर्ट की वैल्यू दे देंगे 500। अब सेल की वैल्यू 400 है, एक्सपोर्ट की वैल्यू 500 है, क्या मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि एक्सपोर्ट की वैल्यू सेल में इंक्लूड है? मैं एज्यूम नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में मुझे एक नोट देना पड़ेगा। क्या नोट देना पड़ेगा, कि हम नोट ये देंगे कि हम मान के चलेंगे कि एक्सपोर्ट की वैल्यू सेल में इंक्लूड नहीं है, और सेल और एक्सपोर्ट दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो ऐसा पॉइंट सिर्फ स्कूल वाले दे सकते हैं, बोर्ड में आज तक नहीं आया ना आएगा। तो यहाँ तक समझ आ गया, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे निकाला जाता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे निकाला जाता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक से। क्लियर है सब बच्चों को? अगला पॉइंट, स्टेप नंबर सेकंड। अब देखो बच्चों, स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करते हैं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ नोट्स शेयर कर रखे हैं, नोट्स में एज इट इज सारा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा मेरी बुक में, और मैंने नोट्स भी बच्चों के साथ शेयर किए हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट की, तो बात करते हैं स्टेप नंबर टू की। देखो वैल्यू एडिट का स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में हम क्या निकालते हैं वैल्यू एडिट मेथड के, इसमें हम निकालते हैं GVAMP। क्या निकालते हैं, GVAMP, फुल फॉर्म क्या होती है GVAMP की, ग्रोस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या निकालते हैं, GVAMP, फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और इसे एक और नाम से बुलाते हैं, GDP@MP, इसे एक और नाम से बुलाते हैं, किस नाम से, GDP@MP। तो याद रखना, GVAMP है, इसे GDP@MP भी कह सकते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। क्या होती है फुल फॉर्म, ग्रोस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। ये किसको किससे डिनोट करते हैं, वैल्यू एडिट मेथड का स्टेप नंबर सेकंड है, इसमें हम क्या निकालते हैं, GVAMP, फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। क्या होती है, ग्रोस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। और इसे एक और तरीका क्या निकालने का, GDP@MP भी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब VA का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन। VA का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन। अब हम वैल्यू एडिशन कैसे निकालें, कितना वैल्यू में एडिशन हुआ। तो देखो
वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कितने का माल मैंने बनाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कितने का माल बनाया, सपोज मैंने 500 का माल बनाया, माइनस जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, मैंने रॉ मटेरियल जो खरीदा है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक और नाम क्या होता है, इंटरमीडिएट परचेज भी कहते हैं, या इसे एक और नाम देते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो कोई भी नाम दे सकते हैं। और आज की डेट में पेपर सेक्टर एक नया नाम दे रहा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर ग्रुप। रॉ मटेरियल होता क्या है, प्रोड्यूसर एक बार खरीदता है उसके बाद खत्म हो जाता है, तो इसे सिंगल यूज प्रोड्यूसर कॉस्ट भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर कॉस्ट, ठीक है, ये नाम याद रखना। सर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है, तो बेटा मैंने एक वीडियो इसके लिए अपलोड की है, ठीक है, कईयों के पास है कईयों के पास नहीं है, उसमें मैंने आप लोगों को इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस सिखाया है, तो वहां पे आपको ये पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है क्लियर हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक तरह से रॉ मटेरियल होता है, कोई भी रॉ मटेरियल जो हम खरीदते हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है, ये इस नाम से आ सकता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेज या इंटरमीडिएट कॉस्ट, या नाम क्या दे सकते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, क्या नाम दे सकते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इस नाम से पेपर सेटर दे सकता है, क्लियर है। अब मैंने तुम्हें बताया इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक तरह से रॉ मटेरियल होते हैं, तो देखो मैंने 500 रुपए का बच्चों माल बनाया और 200 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, तो मेरा वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 300 रुपए का। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं, जितने का आउटपुट बनता है माइनस जितने का रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। तो स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या निकालते हैं, GVMB कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब पेपर में क्या करता है टीचर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं देता, तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा तो इसका पार्ट क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने पढ़ा था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने इनपुट परचेज की, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक तरह से क्या होता है, रॉ मटेरियल ही होता है, तो अगर ये नहीं दे रखा हम कैसे निकाल दे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब जो भी मैंने बाहर से खरीदा है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी एक तरह से रॉ मटेरियल होते हैं, किसके लिए, किसी फॉर्म के लिए। ये पॉइंट कभी बोर्ड में आया नहीं, संदीप गर्ग का पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया, स्कूल वाले पूछ लेते हैं, बोर्ड में हमेशा यही दो पॉइंट आते हैं। अब अगर देखो बच्चों कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, एक तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा इंपोर्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा इन सबको ऐड कर देते हैं। अब पेपर सेटर हमें पागल काम बनाता है, वर्ड दे देगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और वर्ड दे देगा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो बताओ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और साथ साथ क्या वर्ड दे दिया, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बताओ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बड़ा होता है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है परचेज, क्योंकि परचेज में सारी परचेज आएगी, चाहे इंडिया के अंदर की हो चाहे इंडिया के बाहर की, तो अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो तो हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मान के चलेंगे, ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल का कोई यूज नहीं करेंगे। सर अभी तो आपने कहा इन तीन चीजों का ऐड करें, अगर सिर्फ वर्ड दिया हो इम्पोर्ट तो ऐड करेंगे, लेकिन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो तो मान के चलेंगे वो ऑलरेडी किसमें जुड़ा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। पॉइंट समझ आ गया, क्वेश्चन करोगे और क्लियर होगा। अब पेपर सेटर तुम्हें पागल बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे वर्ड दे देगा परचेज या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी पागल बनाने के लिए। अब बताओ मशीन क्या रॉ मटेरियल होता है, नहीं, मशीन का कोई यूज होना चाहिए, यहाँ तो हम रॉ मटेरियल को माइनस कर दे तो इसका कोई यूज नहीं होता, ये फाइनल गुड्स होते हैं, जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पढ़े होंगे ये फाइनल गुड्स होते हैं, इसका कोई यूज नहीं होगा, ये पागल बनाने के लिए दे देगा। अगर क्वेश्चन में वर्ड दिया परचेज या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी तो समझ जाना उसका कोई यूज नहीं है, वो पागल बनाने के लिए दे दे और हमें पागल नहीं बनना। ये था वैल्यू एडेड मेथड, जितने पॉइंट बन सकते थे मैंने सारे कवर किए। अब पेपर सेटर एक्सट्रीमली अगर चला जाए तो ऐसे चला जाता है, वो तुम्हें तीन सेक्टर दे देता है, आपको पता तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, कौन कौन से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अगर वो दे दे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों सेक्टर को ऐड कर दो, तीनों सेक्टर के जीवीएडीपी को ऐड कर दो, पूरी इकोनॉमी का निकल जाता है,
यानी अगर कभी क्वेश्चन में तीन सेक्टर को डिवाइड करके दे दे, पहले तीनों सेक्टर का जीवी एट एमपी निकाल लो, फिर तीनों सेक्टर के जीवी एट एमपी को ऐड कर दो, पूरी इकोनॉमी का निकल जाता है जीवी एट एमपी। ये जितने पॉइंट बन सकते थे, जितने पॉइंट आज तक आए हैं, मैंने सारे पॉइंट इसमें कवर कर दिए। ठीक है, होपफुली आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। बाकी मेरे नोट्स पे पेज नंबर 7 पे ही पूरा फॉर्मूला दे रखा है, वहां से एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, और किसी ने नोट करना तो नोट भी कर लेना। ठीक है, बाय बाय, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सर इसके क्वेश्चन भी करवा दो, क्वेश्चन भी हम ही करेंगे इस क्लास में, हम मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बाकी नॉर्मल क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल इज़ वेल।